मैंने ये मूवी इसलिए देखनी शुरू की थी क्योंकि इसके अंदर परफेक्ट ब्लू एनिमे मूवी के कुछ गुण नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने इसे देखना स्टार्ट किया था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पाप्रिका एनिमे मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है सातोशी कोन ने। अब इस मूवी की कहानी की बात कर लेते हैं। एक ऐसी मशीन का निर्माण किया गया जिसे डीसी मशीन कहा गया। इस मशीन के जरिए लोगों के सपनों में जाकर उनकी कोई परेशानी है, उनके पास्ट से रिलेटेड अगर वो डिप्रेशन में है या दिमागी उनकी कोई परेशानी चल रही है, एक तरीके से साइकेट्रिक मशीन है ये, लोगों के दिमाग में ऐसे सपनों में जाकर उनका इलाज करने के काम आती है। और एक लड़की दिखाई गई जिसका नाम है पाप्रिका, वो क्या करती है, इन लोगों के सपनों में जाकर उनका इलाज करती है। अब देखो, इसको लड़की कहूं या मैं क्या कहूं, ये देखो आप तब समझोगे जब आप इस मूवी को देखोगे। तो एक डॉक्टर होती है आताचान, आई थिंक उनका यही नाम है, तो उनका काम यही होता है कि लोगों के सपनों में जाकर उनका इलाज करना, और उस लोगों के सपनों में जाने के लिए एक इमेज का यूज करते हैं जिसे पाप्रिका नाम कहा गया है। मैंने कहा ना, आप इस चीज को तब समझोगे जब आप मूवी को देखोगे, क्योंकि यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझाने के मामले में। ये मूवी थोड़ी बहुत इंसेप्शन जैसी मूवी नजर आती है, जैसे कि उस इंसेप्शन मूवी में सपनों के अंदर जाके एक आइडिया क्रिएट कर देना जिससे इंसान अपनी डेथ कर लेता या फिर सक्सेसफुल बन जाता या फिर कोई आइडिया ड्रॉप कर देना, ऐसा कुछ उसमें मूवी में होता था। कुछ ऐसा ही इस मूवी के अंदर करने की कोशिश की गई, बट इसके अंदर जो है वो सपनों के अंदर जाके लोगों का इलाज करने की कोशिश की जा रही है। और इस मूवी में गड़बड़ तब स्टार्ट होती है जब इस मशीन को बनाने वाले इस कंपनी में से तीन मशीन, जो टोटली तीन मशीन होती है, वो गायब हो जाती हैं। अब ये जो गायब होती है वो किसने की होती है, ये तो मैं बताने वाला नहीं हूं क्योंकि यार ये एक स्पॉइलर है और वो चीज बताकर आप लोगों का इंटरेस्ट खराब नहीं करना चाहता। तो जो भी इस मशीन को चोरी करता है उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो लोगों के सपनों में जाकर, उस मशीन के जरिए लोगों के सपनों में जाकर उनसे कुछ भी वो करवा सकता था। तो लोग जो है इससे सुसाइड करना स्टार्ट करने लग गए थे। थोड़ी सी मूवी कंफ्यूज कर सकती है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कब रियलिटी चल रही है कब सपना चल रहा है, तो थोड़ी बहुत ही आप लोगों को पजल कर सकती है। और इस मूवी में ब्लैक होल टाइप जैसा कुछ क्रिएट होता है और इसके जरिए क्या होता है कि जो सपने हैं और जो रियलिटी है वो आपस में मिक्स हो जाती है, जैसे ब्लैक होल बन जाता है सपनों और रियलिटी के बीच में। लोग पता ही नहीं कर पाते कि रियलिटी चल रही है या सपना चल रहा है, पूरी दुनिया जो है वो सपनों के अंदर फंस के रह जाती है। और ये लास्ट वाला जो सीन था यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये सब कौन करता है, इसको कैसे रोका जाता है, इस सब के लिए तो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। और अब अगर इसका कंपेयर करूं मैं परफेक्ट ब्लू से, देखो परफेक्ट ब्लू से कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर झलक देखने को मिल जाती है परफेक्ट ब्लू की, और इसके अंदर कहीं ना कहीं मेंशन भी किया होता है कि परफेक्ट ब्लू का एक बोर्ड लगा होता है। जब आप इसको देखोगे तब आपको पता चलेगा उसमें परफेक्ट ब्लू एनिमे मूवी का एक बोर्ड लगा होता है। तो इस चीज को देखते वक्त मेरे एहसास हुआ था कि यार परफेक्ट ब्लू जैसी इसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट सपनों वाला लेके, मतलब रियलिटी और इमेजिनेशन के अंदर कंपैरिजन ना कर पाना, और उसके अंदर भी वही था सेम टू सेम परफेक्ट ब्लू के अंदर, और ऐसा ही पाप्रिका एनिमे मूवी के अंदर। और एनिमेशन की बात करूं, एनिमेशन भी काफी हद तक वैसी की वैसी ही रखी गई, और जो इसके अंदर जो पाप्रिका नाम की जो लड़की है और परफेक्ट ब्लू में जो लड़की थी, इन दोनों की शक्ल आप देखोगे तो थोड़ी बहुत एनिमेशन देखोगे तो हाँ वैसी ही लगती है, बट परफेक्ट ब्लू एनिमे मूवी फार बेटर एनिमे मूवी है वो, यार अभी भी आज की डेट में भी वो एक मास्टरपीस का काम करती है। और अगर इस मूवी को कंपेयर करूं परफेक्ट ब्लू के मूवी से, यार वो इसके सामने कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाती, क्योंकि यार भले ही इसका कॉन्सेप्ट और एनिमेशन थोड़ी बहुत इस परफेक्ट ब्लू जैसी एनिमे मूवी जैसी हो, बट यार इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप उसके तरीके से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट या एनिमेशन वैसी रख लोगे तो ये एक मास्टरपीस तैयार हो जाएगा, यार ऐसा नहीं हो पाता। देखो मैं मूवी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बस इसको कंपेयर कर रहा हूं परफेक्ट ब्लू मूवी से, जहां आप अगर परफेक्ट ब्लू एनिमे मूवी देखते हो जिसकी स्टोरी यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और जो आपके दिमाग के परकच्छे उड़ा देने वाली है, मतलब कि जब आप उसको दो तीन बार देखोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा एक्चुअल में क्या चल रहा था। और वहीं अगर इस एनिमे सीरीज की एनिमे मूवी की बात करूं, पैप्रिका एनिमे मूवी की बात करूं, तो ये एक जो मूवी है इसकी जो कहानी वो बड़ी डिसेंट सी है। एक बार आप इसको देखोगे तो हाँ समझ में आ जाएगी, इजिली समझ में आ जाएगी, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन इसके अंदर क्रिएट नहीं हो पाती। अब देखो ये अच्छी बात है या बुरी बात है वो आप लोग डिसाइड करना। पाप्रिका एनिमे मूवी के अंदर थोड़ा बहुत हॉरर का जोनर डाला गया है यार, बट वो इतना सक्सेस नहीं हो पाता कि हम उससे डर पाए। मूवी की कहानी काफी ज्यादा डिसेंट है, एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 स्टार। जिन्होंने नहीं देखी मैं उनको ये कह सकता हूं कि अरे वन टाइम वॉच मूवी है, हल्की वल्की इसके अंदर न्यूडिटी है तो बच्चे इससे दूर रहे, और जिन्होंने देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को इस मूवी में क्या अच्छा लगा या मूवी आपको कैसी लगी। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।